देखते हैं आज की बड़ी खबर। सड़क में होने से घर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, रास्ते में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, लेकिन रास्ता नहीं होने से एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद मैं अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर एम्बुलेंस तक बामुश्किल पहुंचा रहा था, जिसमें उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही नवजात की मौत हो गई। अगर रास्ते पर मिट्टी डालकर उसे बंद नहीं किया होता या फिर दूसरा रास्ता होता तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। ये शब्द उस पिता के है जिसके बच्चे की मौत हो चुकी है। मामला शहर के वार्ड क्रमांक 2 का है, जहां पीएम आवास योजना के तहत मकान तो बनवा दिए गए, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया। जो रास्ता है भी तो वह इतना छोटा है कि उसमें वाहन नहीं जा सकते। इसी का नतीजा रहा कि सुखेंद्र यादव की पत्नी अस्पताल समय पर नहीं पहुंच सकी और उसने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, जिससे नवजात की पैदा होते ही मौत हो गई। ये हाल तब है जब इस वार्ड में रहने वाले लगातार यहाँ से रास्ते निकलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अगर 2 दिन पहले कलेक्टर के आदेशों का पालन हो जाता तो शायद सुखेंद्र के साथ ये अनहोनी नहीं होती, क्योंकि पीड़ित 2 दिन पहले ही कलेक्टर के पास रास्ता जाम होने की शिकायत लेकर पहुंचा था। यह उसे कार्रवाई का आश्वासन तो मिला, लेकिन हालात जस के तस रहे। फिलहाल कलेक्टर ने इस घटना को दुखद बताते हुए एक बार फिर रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने आदेश किया, कर्मचारियों ने नहीं सुना। एक बच्चा जो दुनिया में आया ही था, इस बेगरत दुनिया के रंग देख कर तुरंत ही विदा ले गया और अपने पीछे छोड़ गया रोते बिलखते माँ बाप, जो नौकरशाहों के इन आदेशों आश्वासनों को सुन सुन कर अपनी मजबूरी पर रोने गिड़गिड़ाने के सिवा कर भी क्या सकते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब का ये आश्वासन क्या उस जिंदगी को लौटा पाएगा जो दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले कहते हैं ना अपने।